हेलो गाइस, मैं एस गौतम। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग हम किस प्रकार करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा परचेज़ की एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। तो गाइस, जो ये परचेज़ का इनवॉइस होता है पेट्रोल पंप का, तो गाइस ये BPCL का होता है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो गाइस, सबसे पहले इसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि गाइस जो हमारा ये BPCL का इनवॉइस होता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गाइस, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो गाइस, ये जो पेट्रोल पम्प का परचेज़ का इनवॉइस होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, तो गाइस इसमें MS और HSD होता है। तो MS का जो मतलब होता है वो होता है पेट्रोल, और HSD का मतलब होता है डीजल। तो गाइस, इसमें हम जो पहचान करेंगे पेट्रोल और डीजल की, तो MS होगा, तो MS को हम पेट्रोल होता है हमारा, और HSD का डीजल होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम ये परचेज़ का इनवॉइस समझेंगे ये किस प्रकार है, फिर इसकी लास्ट में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो गाइस, इसमें हमारा जैसे कि प्रोडक्ट लिखा हुआ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन MS मतलब पेट्रोल, क्वांटिटी है 4.500। तो गाइस, 4.500 मतलब 4500 लीटर क्वांटिटी है पेट्रोल की जो हम परचेज कर रहे हैं। अब गाइस, ये हमारा जो सेक्शन है रेट पर यूनिट, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अब उसके बाद टोटल वैल्यू, तो गाइस आपको 2,50,355.99 और 2167.65 प्लस 75,330 रुपये प्लस करने हैं। तो इसमें जो टोटल वैल्यू है इसकी प्लस हो जाएगी और क्वांटिटी इसकी हम ले लेंगे। तो गाइस, इसे परचेज वाउचर में इसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे आपको उसमें समझ में आ जाएगी। तो इसमें पेट्रोल है तो इसकी हम टोटल वैल्यू प्लस कर देंगे और अमाउंट को। अब गाइस, उसके बाद है HSD जो कि हमारा पेट्रोल होता है 13,500 KL। तो गाइस, इसका मतलब है 13,500 लीटर क्वांटिटी है। अब गाइस, इसकी जो टोटल वैल्यू है 7,27,851.59 और 1,28,365 रुपये हम प्लस खरीद देंगे इसमें। तो गाइस, और लास्ट में इसकी टोटल वैल्यू है, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 11,90,573 रुपये की हमने परचेज़ की है पेट्रोल प्लस डीजल। अब गाइस, इसकी टैली में एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, चलते हैं टैली की तरफ, टैली में ओपन करते हैं। अब गाइस, हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली पर, हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। अब उसके बाद गाइस, हम ओपन करेंगे परचेज वाउचर। तो हमने ये ओपन कर लिया है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी डेट डालेंगे, इनवॉइस डेट। तो गाइस, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 है, क्योंकि उस इनवॉइस में जो परचेज की डेट और इनवॉइस नंबर इसमें शो नहीं हो रहा है। तो गाइस, हमें इसको BPCL अकाउंट डेबिट, तो गाइस सबसे पहले हमें लास्ट की वैल्यू लेनी है, जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है। तो इसमें हम डाल देंगे BPCL में, BPCL को हम डेबिट कर रहे हैं 11,90,000। अब गाइस, लोकल परचेज नॉन वैट गुड्स, तो गाइस ये हमारा नॉन वैट गुड्स है,
तो गाइज इसमें सबसे पहले हम जो परचेज कर रहे हैं वो है एमएस। एमएस मतलब पेट्रोल। तो इसकी क्वांटिटी डालेंगे हम 4.500 है, तो इसको हम 4,500 सबसे पहले इसे हम पेट्रोल को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी में डाल देंगे 4,500। तो लीटर ये हमारा पेट्रोल है। अब गाइस रेट अभी इसमें नहीं डालना है आपको, रेट ऑटोमेटिक जब हम इसकी टोटल वैल्यू प्लस करेंगे तो आपको कैलकुलेटर ओपन कर लेना है नीचे। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको 2,50,355.99 प्लस 6,67.65 पैसे प्लस 75,330 को प्लस करना है। तो हम इसे कैलकुलेटर में प्लस कर लेते हैं, 2,50,355.99 प्लस 2,167.65 पैसे प्लस 75,330 रुपये हम जैसे ही इस पर एंटर करेंगे तो हमारी ये इसकी जो रेट है वो निकल के आ गया। जो हमने परचेज किया है ये किया है 72.86 पैसे। तो ये हमारी परचेज वैल्यू है 1 लीटर की। HSD मतलब डीजल। तो गाइस इसमें हम जो हमारी क्वांटिटी है वो है 13,500। अब गाइस जो इसकी टोटल वैल्यू है इन्वॉइस में 7,27,851.59 पैसे। हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, अब गाइस उसके बाद प्लस 6,602.95 पैसे प्लस 1,28,365 रुपये। तो गाइस इसे हम प्लस करेंगे जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसमें जो रेट है वो डीजल के इसमें आ जाएंगे। तो गाइस ये जो डीजल के रेट हैं अब हमारे डीजल के रेट इसमें आ चुके हैं 63,91 पैसे। तो गाइस अब जो इसमें 0.35 इसे हम राउंड ऑफ में डाल देंगे। और गाइस उसके बाद नीचे हम नरेशन में इसका इनवॉइस नंबर और डेट इसमें डाल देंगे, या आप अपने अनुसार इसमें नरेशन डाल सकते हैं। डालने के बाद इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। तो गाइस ये था हमारा PPCL का पेट्रोल पंप का परचेज़ का इनवॉइस, जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में परचेज़ के इनवॉइस की एंट्री करनी आपको बताई है। तो इसी प्रकार ही आपको पेट्रोल पंप की परचेज़ का इनवॉइस टैली में एंट्री करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।